अपने नाम को पहचान और समाज में सिर उठाकर जीने का सम्मान हासिल करने की एक जिद ने जब 20 साल पहले अपने घर की दहरी लांगी थी तो एक साइकिल थी और यही राजकुमारी देवी थी। राजकुमारी देवी निकल पड़ी थी घर से अपने खेतों की ओर साइकिल पर, बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। जब इलाके के लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था और राजकुमारी देवी के पास करने के लिए बहुत कुछ। 20 साल पहले मुजफ्फरपुर के आनंदपुर गांव की राजकुमारी देवी ने जब ये ठाना कि अब वो अपने खेत की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगी और खुद अपने खेत में एक किसान की तरह उतरकर काम करेंगी, तो गांव के लोगों के लिए ये बात किसी मजाक से कम नहीं थी। महिला होकर काम कर रहे थे तो हमको बहुत परेशानी उठाना पड़ा। कहे कि एक तो हम जाति से भूमिहार थे और परिवार हमारा अच्छा था, हमारे घर के परिवार के लोग अच्छे थे, फिर भी हमको तकदीर में हमको 2 बेटी, हमारे पति नहीं कुछ काम कर रहे थे तो हमको सौतेली सास थी, बार बार उदाहरण देती थी जो कैसे बेटी से का ब्याह होगा, ये होगा, वो होगा, और समाज में खाना बनता तो वो लोग अच्छा खाना खाते, हमको माने जैसे रोटी सब्जी ऐसे ही माने खाना तो मिलता था, हमारे पति को चाहे हमको चाहे हमारे बच्चों को, इसी तरह करते करते लोग हमको बांट दिए। उस दौर में राजकुमारी देवी के हिस्से में लोगों के ताने थे और राजकुमारी देवी के दिमाग में खेत और खेती की शक्ल बदल देने का ताना बाना। संघर्ष कड़ा था पर राजकुमारी देवी के हौसलों से बड़ा नहीं। नतीजा यह हुआ कि उनकी लगन, उनकी मेहनत और खेती से उनके लगाव ने राजकुमारी देवी को पूरे इलाके में किसान चाची की पहचान दे दी। वो किसान चाची जिनका कौशल उनके खेत को मुनाफे की खान बना चुका है और खेती में उनके नए प्रयोग का विस्तार उन्हें किसानों का महानायक। 2 पहिए की साइकिल पर शुरू हुआ एक सफर आखिर कैसे सम्मान के शिखर तक पहुंच गया, इस सवाल का जवाब मुजफ्फरपुर के आनंदपुर गांव में ब्याह कर आई राजकुमारी देवी के उस संघर्ष में छिपा है जो आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे भैया का शादी हुआ था तो टीचर ट्रेनिंग की हुई भाभी आई थी, भैया हमारे बड़े अति थे, हम लोग को नौकरी नहीं करने दिए, तो आज वो रिटायर कर गए दरोगा से, तो कहते हैं कि राजकुमारी को नौकरी करने देते तो इतना नागांव नहीं होता, इसको उस समय हम नौकरी नहीं करने दिए, तो जहाँ ना जाना है तहाँ तो चलिएगा ना। और उस समय गाँव में टीचर वाला होता था तो वो कहे कि महिला कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, उस समय हमको नहीं होने दिए। आज पछताते हैं कि नौकरी मैंने की हुई रहती तो एक जगह, आज कितना जगह इसको जाना पड़ा, कितना कठिनाई उठाना पड़ा, ये सब होवे किया। तो भैया अप्रसन्न रहते हैं हमारे, उस समय दरोगा थे, नहीं हमको होने दिया। और शायद नौकरी नसीब में नहीं थी, ख्याति इन खेतों में ही लिखी थी। ये वो दौर था जब आनंदपुर गांव के ज्यादातर खेतों में तंबाकू की खेती होती थी। राजकुमारी देवी के पति अवधेश चौधरी भी उसी खेती से जुड़े थे। भरा पूरा घर था लेकिन अचानक ही ससुर ने घर का बंटवारा कर दिया। पति अवधेश चौधरी और राजकुमारी देवी को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा आया। बंटवारे के बाद परिवार एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया जहां बच्चों की अच्छी परवरिश तो दूर, रोज का गुजारा भी एक चुनौती बन गया।
तो जब बंटवारा हुआ तो हमारे ससुर हमारे सास के नाम पर ही जमीन था, तो ससुर अपने भाई को वहाँ दे दिया, वहाँ का पैसा लेकर के इसमें घर बना लिए। तो घर बना लिए तो जिस दिन बंटवारा हुआ इस घर में जब बन गया बंटवारा में, हमारे ससुर बहुत प्रयास किए कि इसको घर से निकाल देंगे, दूसरे जगह घर ही बनाएंगे, लेकिन हमारा जीत था कि नहीं जब रहेंगे तो इसी में। उनके मर जाने पर 30,000 रुपया दिए हैं तब दूरा, नहीं तो उसी में है खेत वाले हमको निकलने के पीछे से निकलो, जैसे वो लोग अच्छे लोग हैं और हम गरीब थे तो आगे के दूरादन हम लोग नहीं निकलने देते थे, पीछे में हम निकलते हैं, जैसे उसका पीछे है घर का पीछे अपना ही उधर से हमको निकलने के लिए करते। और कल जो था उस पर हमको पानी भी नहीं भरने देते, तो वो जो घर बथान लोग रहा है वहां से हम पानी भरकर छोटे छोटे बच्चे थे तो 2 बाल्टी सवेरे भोरे जाके भर लेते, तो उस समय खाना बनाते तो जो चावल धोते सब्जी धोते वो पानी भी नहीं पीते थे, उसी पानी को रखे हुए जो बच्चा लोग खा लेता तो उसी पानी। नहीं हमको कठिनाई बहुत हुआ, छोड़िए। वक्त ने जो तय करना था कर दिया, अब जिंदगी कैसे चलेगी इसका फैसला राजकुमारी देवी को ही करना था। वक्त ने जो तय करना था कर दिया, अब जिंदगी कैसे चलेगी इसका फैसला राजकुमारी देवी को ही करना था। यही वो वक्त था जब राजकुमारी देवी ने ठान लिया कि अब वो घर की चारदीवारी से बाहर निकलेंगी। लोक लाज और समाज की बंदिशों को किनारे रख राजकुमारी देवी ने नए सफर की शुरुआत की। हमको तो ताना बहुत चीज का मिला, लेकिन ताने से हम आगे बढ़े, वो लोग दुख दिया तो हम आगे बढ़े। तो कितने बार लोग को बैठा बैठा कर पंचायती किए कि भूमिहार जाति से कोई इतना काम रहा, हमारे घर से खुरपी हंसवा उठ गया, हमको गाली उली बकते थे, लेकिन हम सबको झेलते हुए। कहने का मतलब हमको जब वो बांट दिए तो 200 रुपया देंगे तो फिर तो हमारा कर्जा ही ना होगा, इसलिए हम लगन के साथ है। हमारे पति नहीं चाहते थे कि हमारी पत्नी खेत में जाकर काम करे, हम अपना कैपेसिटी अच्छा से रखे, जो जिसको बोलना था अच्छा बोले या खराब बोले, हम किसी को बात को सुनने के लिए हमको समय नहीं था। हम दिन रात हमको बुझाता था उस समय कि 24 घंटा का दिन रात 48 घंटा का होता तो हम और जाते काम। घर की दहलीज लांग कर खेत में एक किसान की तरह उतरना विद्रोह था उस समाज के खिलाफ जो एक औरत को सिर्फ घर में देखना चाहता है। शुरुआत में लोकलाज के ठेकेदारों के तानों से बचने के लिए राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेत में जाना शुरू किया ताकि कोई उन्हें देखे नहीं। वो जानती थी कि उनकी ये मेहनत तभी रंग लाएगी जब वो अपने खेत में कुछ ऐसा करें जिससे उनके परिवार की माली हालत पटरी पर आ जाए, और बगैर मुनाफे के ऐसा संभव नहीं था। बंटवारे के बाद हिस्से में आई जमीन के एक छोटे से टुकड़े में मुनाफे की खेती बड़ी चुनौती थी। पहले तो हम जैसे शाम को सवेरे उठकर काम करते थे, धीरे धीरे काम विस्तार होने लगा, लोग से सीमा हम किए जो लोग के सामने में काम न करेंगे, भोरे कर लेते थे, शाम को हम करते थे। बच्चे 3 थे तो उनको छोट खटोली था, उसी पर रात को बैठा करके तोरी उखाड़ना, अरे जो भी काम था कहने में खराब लगता है तो वो सब हम काम करते थे। कहे कि बच्चे को किस पर छोड़ कर जाए, घर एगो था उसमें ताला लगा देते थे, लेकर उसको खेत में चल जाते थे। इसी तरह करते करते हमारे पति खैनी बेचे सब्जी बेचे, हम भी उसका पूरा काम खेती का हम बोर्डिंग में सब चला लेते थे, सब काम हम अपने से किए। शुरुआत में गांव के किसी भी किसान को इस बात पर भरोसा नहीं था कि किसान चाची की ये पहल रंग लाएगी। अलबत्ता इस पहल का भी मजाक उड़ाया गया।
किसी को भरोसा नहीं था कि तंबाकू की पारंपरिक खेती को छोड़ राजकुमारी देवी अपने छोटे से खेत में कामयाबी की फसल लहला देंगी। ये अंदाजा नहीं था उनके लिए, क्योंकि उसके पहले कोई महिला इतना तरक्की और आगे नहीं सोचता, उनका सोच नहीं था। लेकिन किसान चाचा एक ऐसी महिला थी कि अपने समाज में पहले महिला है वो, कि इतनी संघर्षपूर्ण जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी है और दूसरे को प्रेरणा भी दी है, प्रेरणा का स्रोत भी है वो। अब बहुत सारे काम किए हैं वो जो कि महिलाओं के लिए एक वो आदर्श है, आज भी आदर्श है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा महिला ऐसे समाज में इस तरह के कई महिलाओं को आना चाहिए जो कि समाज की उन्नति हो, आगे बढ़े। शुरुआत में राजकुमारी देवी की मेहनत और सोच से भले ही गांव के लोगों की राय नहीं बदली, लेकिन पति अवधेश चौधरी का पुराना ख्याल जरूर बदल गया और नतीजा ये हुआ कि वो उनकी मेहनत में बराबर के हिस्सेदार बन गए और अपनी पत्नी का साथ देने लगे। फिर क्या था, खेती की पहली खेप में लीची की बंपर पैदावार हुई, लागत के मुताबिक मुनाफा भी उम्मीद से दोगुना हुआ। घर से बाहर निकलने से शिकायत होता था, कई कई समय हमारे समाज में महिला नहीं निकलती थी हम लोगों के परिवार से, तो हमारे पिताजी संबंधी लोग ये लोग विरोध करते थे कि भाई हमारी पत्नी खेत में जाके काम कर रही है, तो और हमको भी बुरा लगता था, वो लोग कहते थे, हमको भी बुरा लगता था, हम रोकते थे लेकिन नहीं रुकी, नहीं मानी, करती गई। तो जब कुछ अच्छा रिजल्ट आने लगा, कुछ लोग अच्छा इसको कहने लगे, तो हमको भी अच्छा लगने लगा। खेत की बंपर पैदावार मुनाफे की सौगात लेकर आई तो राजकुमारी देवी ने अपने खेत में प्रयोग का दूसरा दौर शुरू कर दिया। अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर राजकुमारी देवी ने गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई। इस प्रयास ने भी चौंकाने वाले नतीजे दिए और पहली बार गांव के लोगों का राजकुमारी देवी को समर्थन मिला। खेती की इस नई पहल ने दूसरे किसानों को आकर्षित किया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने खेतों से अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वो चाहती थी कि उनके गांव के लोग भी तंबाकू की खेती छोड़कर फलों और सब्जियों की खेती करें ताकि उनके घरों में भी खुशहाली आए। और इसके लिए राजकुमारी देवी ने गांव के किसानों को समझाया कि वो अपने खेतों में जैविक तरीके से फलों और सब्जियों की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। चालीस की उम्र में साइकिल सीखी है राजकुमारी देवी ने, ये बड़ी बात है। और इसी साइकिल से राजकुमारी देवी ने अपनी सोच को गति दी। चालीस की उम्र में साइकिल सीखी है राजकुमारी देवी ने, ये बड़ी बात है। और इसी साइकिल से राजकुमारी देवी ने अपनी सोच को गति दी, ये और बड़ी बात है। वक्त के साथ साथ किसान चाची के चर्चे हर किसी की जुबान पर चढ़ने लगे। राजकुमारी देवी खुद खेती किसानी के नए गुर सीखने के लिए दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। सरकार द्वारा संचालित किसान मेलों में शिरकत करने लगी और अपने जिले मुजफ्फरपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहने लगी। सरकार की इन संस्थाओं से जुड़कर किसान चाची को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से भी आगे खेत है। राजकुमारी देवी ने फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण में महारत हासिल करनी शुरू की। कृषि मेला में हम हमेशा जाते थे, अपना उत्पाद को लगाते थे, तो उसमें हमको प्रथम पुरस्कार मिलता था। और कृषि विज्ञान के सरैया में था तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, तो उसमें सब चीज का ट्रेनिंग उन लोग को, महिला लोग को दिलवाया, जैसे सिलाई का, टेलीवियर का, मधुमक्खी का, मछली का, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब कुछ का ट्रेनिंग हुआ।
और हम भी ट्रेनिंग लिए थे खाद प्रसंस्करण का, अचारों अचार जैम जेली मुरब्बा इस सब का ज्योति मैडम ट्रेनिंग दिए। तो इसके लिए हम अपने ग्रुप का प्रिजर्वेशन का काम किए। हम तो पहले पैक पनीर में 5 रुपया 10 रुपया करके बेचे, बाकी धीरे धीरे जब काम बढ़ने लगा और लोग का च्वाइस होने लगा, कोई कोई किसान चाची, अब किसान चाची उस समय नहीं थे, साइकिल वाली चाची थी देवी जी तो कहता था, धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तब तो अपना कागज पर लिख करके डिब्बा प्रसाद के पनी प्रसाद के माने स्वयं सहायता समूह लेके आनंदपुर ज्योति कका कैसे बेचते 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 अब तो ज्यादा हो गया, तो अब विस्तार बिकता, लेकिन अभी भी अच्छी नहीं हुआ। जैसे हमारा अपना चॉइस का बोतल लेते पैकिंग तैकिंग ताम झाम सब जो पैसे नहीं अट रहा है, इसलिए अभी नहीं हमारा हो गया। कहा कि जो पैसा होता है उसमें पहले सोचते हैं कि पहले जरूरियात कौन काम है, अगर जरूरियात में और सब काम किए सके बेटी का शादी कर लेंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। किसान चाची आज अपने अचार से सालाना करीब 6 लाख रुपए तक कमा लेती है। अचार के अलावा खेत में उपजे फलों से जैम और जेली और यहाँ तक कि चिप्स बनाने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। किसान चाची के बनाए उत्पाद कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित मेलों में छाने लगे, जिसकी वजह से कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों का सहयोग मिलने लगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी किसान चाची ने हिस्सा लिया और सरकारी योजनाओं को करीब से जाना। किसान चाची खेत खलिहान और बाजार के खेल में महारत हासिल कर चुकी थी, अब बारी महानायकी की थी। किसान चाची ने अपने अनुभवों को बांटना शुरू किया और गांव की महिलाओं को खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गई। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बना डाले। साल 2002 में शुरू हुई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के जरिए भी किसान चाची ने अपने बनाए स्वयंसेवी संगठनों को बड़ा विस्तार दिया। आज किसान चाची की इस पहल की वजह से अकेले मुजफ्फरपुर के सरैया ब्लॉक में तकरीबन 350 महिलाओं ने 35 स्वयं सहायता समूह बना लिए हैं। किस ग्रुप बनाए 360 महिला, कहे कि बीपीएल लोग का वो ग्रुप है, उसमें सरकार का प्रपोजल था कि एक महिला को 25,000 रुपया मिलेगा 2 टर्म में, 12,500 माफ रहेगा, तो इसलिए एक ग्रुप में 10 ही महिला है। काहे कि बेसी महिला उसमें हो जाएगी तो उतना ही पैसा रहेगा और उसको बांटना पड़ेगा तो कम कम हो जाएगा, तो इसलिए हम 10 से 10 महिला का सब ग्रुप बनाए। पहले तो हम लोग को खेत में कुछ नहीं होता था, तो जब से किसान चाची के साथ हम लोग जोड़े तब से हम लोग के खेत में माने साग सब्जी गोभी मटर टमाटर और माने पपीता और माने पूरा सब्जी के जितना हो माने खेती थी। किसान साथी घर में जाकर हम लोग के समझाए कि चाची बाजार से जो खरीद कर लाते हैं उसमें बहुत दवा दारू माने देता है, से हम लोग के वो पसंद नहीं पड़ता है, आप लोग खेती कीजिए। तो हम लोग अपना से मदद कर रहे हैं और हम लोग अपना सुख जाते हैं। समय पर बताती है कि हाँ ये सीजन आता है सब्जी लगाने का, तो हाँ ये लगाइए वो लगाइए, अभी अब सीजन है भिंडी लगाने का, नेनुआ है और करेला है कद्दू है, वही समय समय पर अब इनसे पूछते हैं तो बताती है कि ये कीजिए ये खाद डालिए ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। कहते हैं कि मकसद अगर साफ हो तो उसके लिए शांति से की गई मेहनत सफलता का शोर मचा देती है। किसान चाची की सफलता का शोर भी आज उनके खेतों से निकलकर पूरे देश में फैल चुका है। राजकुमारी देवी पहली ऐसी महिला किसान है जिन्हें किसान श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
जिला में जिला का खाद्य सुरक्षा अभियान होता है ना डीएम का, जो खेती से संबंधित जितना कितना गेहूं के बीज बीज उज लोग को मिलता है खाद बीज, तो उसका मेंबर होता है, तो उसमें हम मेंबर है, डीएम साहब हमको मेंबर बनाए थे। तो उसी में ही प्रश्न सरकार द्वारा निकला था, जो अच्छा खेती ब्लॉक में करेगा तो उसको 1 लाख, उससे अच्छा जिला में करेगा तो उसको 2 लाख, उससे अच्छा करेगा तो माने जैसे राज्य में तो उसको 5 लाख। तो 5 लाख वाला का नाम था किसान रत्न, 2 लाख वाला का नाम था किसान भूषण, 1 लाख का नाम था किसान श्री। तो उसमें ये सब हुआ तो हम आए तो अपने पति को कहे कि हे चौधरी जी, अच्छा खेती करे वाला कैसे ऐसे पैसा मिलते हैं, तो जा जा वो सब तोरा हो वाला, वो लमहर खेती करे वाला का ना ये सब बात है, तो जा जा उस ना। तैयो हम ब्लॉक में गए पूछने जो सर से किसान वाला फॉर्म तो आया, तो हाँ हाँ आया है बीओ साहब सुशील कुमार थे, तो भरिएगा का हम, हाँ सर भरती है। तो सर कतना खेत करे वाला खेती करे वाला के है, अरे आपको तो है ना 1.5-2 बीघा, वो हो जाएगा, आप खाली सही प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो इसी तरह हम छटा गए, तो वह किसान सीढ़ी का हमको 1 लाख रुपया मिला। सब लोग किसान से जो शिक्षित थे जानते थे तो किसान सीढ़ी का है, आ छोट छोट लड़का को नहीं कहने आया, महिला सो कहे वे ना किसान चाची जाई हथे, हे वे किसान चाची जाई हथे, चाहे उनका के बोला लग ये बतवा पूछो, मैं ऐसे ही है किसान चाची। वही 2006 से हमको लोग किसान चाची कहते हैं। किसान चाची का सपना है कि देश का हर किसान अपने खेत से मुनाफा कमाए। वो चाहती हैं कि हर किसान खेत और खेती की तकनीक समझे और उसे अपनाए, ताकि उनके घरों में भी खुशहाली आए, और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए वो आज भी दिन रात मेहनत करती हैं। भंवरलाल जैन एक ऐसे गांधीवादी उद्योगपति जिन्होंने समस्या को जड़ से समझने और मूल पर चोट करने का गांधीवादी फार्मूला ईजाद किया। न सिर्फ फार्मूला खोजा बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी लाखों किसानों को बताया। भंवरलाल जैन को हिंदुस्तान में टपक सिंचाई का जनक माना जाता है।